आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। नई नई सत्ता और आखिरी 77 दिन जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, 77 दिन किए गए वादों को पूरा करने के लिए, 77 दिन सुशासन की नई परिभाषा गढ़ने के लिए, 77 दिन सूबे की जनता को सकारात्मक बदलाव महसूस कराने के लिए और 77 दिन हर तबके की तबीयत खुश करने के लिए, 77 दिन उन मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जिन्होंने कांग्रेस को 21 सीटों से सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। क्योंकि करीब 77 दिन बाद शुरू हो जाएगी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया और राजस्थान की 25 सीटों पर परफेक्ट 25 का पंच लगाने के लिए हाथ को पंजा बनना होगा। हर एक मतदाता को एहसास कराना होगा कि विधानसभा का संकल्प लोकसभा में किसी तरह का विकल्प न छोड़ दे। कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता वे दो वादे हैं जो हर एक की जबां पर है और सामने है आखिरी 77 दिन। तो क्या मान लिया जाए कि सियासत, सत्ता और 77 का कॉकटेल सियासी गर्मी बढ़ाएगा? कांग्रेस विधानसभा के मोमेंटम को लोकसभा तक किस तरह बरकरार रखेगी? क्या होगा कांग्रेस का परफेक्ट 25 के लिए एक्शन प्लान? और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव की चुनौती के लिए क्या होगी तैयारी? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता सत्येंद्र राघव जी, बीजेपी नेता मुकेश दाधीच जी, साथ ही हमारे साथ कोटा से जुड़े पीसीसी महासचिव पंकज मेहता जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले हम सवाल रहेगा सत्येंद्र जी आपसे ही, आखिरी 77 दिन है और बड़ी चुनौतियां, बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव के लिहाज से। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता का आभार है जिसने कांग्रेस को सरकार बनाने के, सरकार चलाने के लिए चुना है। हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर सरकार आते ही 10 दिन के अंदर हम कर्जा, किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कर दी, आज मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान का भी घोषणा कर दी। 77 दिन पार्लियामेंट के हैं लेकिन राजस्थान की सरकार के 5 साल हैं। जो राजस्थान में स्थिति भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गई है, जिस तरीके से आर्थिक भार है और जो किसानों की स्थिति है, वो सारी चीज़ देख के, कल से आपने देखा तीसरा दिन है, 17 दिसंबर को सरकार ने शपथ ली है, कल प्रशासनिक फेरबदल किया, आज किसानों का कर्जा माफ़ करने की घोषणा के साथ ही हम 77 दिन। ये सही है कि आने वाले राजस्थान में अब लोकसभा चुनाव होंगे, आचार संहिता लगेगी, फिर नवंबर में नगर परिषद और पालिका के चुनाव होंगे, आचार संहिता लगेंगी, लेकिन जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो हमने जो आपसे वायदे किए हैं, जो घोषणा पत्र में वायदे किए हैं, हम वो लगातार आप पे सरकार चलाएंगे, लागू करते रहेंगे और प्रदेश की जनता का जो विश्वास जो कांग्रेस में है। सत्येंद्र जी, आप मानते हैं कि जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए थे जनता से चुनाव के पहले, वो इन 77 दिन में पूरा करेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, वो भी आप नहीं, 77 दिन का मैं नहीं कह रहा, ये 77 दिन का के लिए शासन नहीं है, सरकार ने, जनता ने 5 साल के लिए शासन दिया। बिल्कुल 5 साल के लिए शासन है, लेकिन जिन चीजों को लेकर यहाँ पर टाइम फाउंडेशन था, हम उनकी बात करते हैं। अब उनकी बात करते हैं कि कम से कम उन चीजों को पूरा किया जाए जिससे जनता का भरोसा बना रहे और लोकसभा चुनाव भी सर आगे उसी के लिहाज से बात कर रहे हैं। आप इसी हिसाब से लगा सकते हैं कि 10 दिन का कर्जे की माफ की, हमने तीसरे दिन राजस्थान में कर्जा माफ कर रहे हैं, तो ये तो 10 दिन भी नहीं हुए। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मुकेश जी। श्वेता जी, मुकेश जी आपसे अब सवाल रहेगा, आप जबकि 77 दिन की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा तो यहाँ पर फतेह कर लिया कांग्रेस ने, लेकिन 2 लाख तक के कर्ज माफ की बात अभी कुछ देर पहले ही अशोक गहलोत जी ने की है, मुख्यमंत्री ने की है, कम से कम इसकी तारीफ तो करेंगे आप? नहीं, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई कदम उठा है तो देखना वाली बात यह है कि जो ऑर्डर आता है उस ऑर्डर में किस प्रकार के किसानों को उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब हमने 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया था तो यही कांग्रेस के लोग कहते थे कि ऊंट के मुंह में जीरा है, और कोऑपरेटिव के अलावा केसीसी के लोन, दूसरे अन्य प्रकार के जो लोन है किसानों के, वो कहाँ माफ किए बीजेपी सरकार ने, ऐसा आरोप हम पे लगाते थे। तो अब देखने वाली बात है कि ये जो 2 लाख रुपए का कर्जा इन्होंने माफ किया है वो कौन कौन सी बैंकों के माफ किए हैं, केसीसी का माफ किया है कि नहीं किया है, जो किसानों की अपेक्षा उसमें कितना कैटेगरी किसानों की आ रही है, ये सारा विषय एक बार देखने, ऑर्डर देखने के बाद ही कह पाएंगे कि इन्होंने वास्तव में जो किसानों के साथ वादा किया उसको पूरा किया है या केवल ऊपरी सतह पे बिना आधार के जो इन्होंने पूरी योजना बनाकर के दिया था उसको किया, क्योंकि इनकी दोनों ही योजना जो इनका, चाहे घोषणा पत्र हो, जब जब भी आप लोग भी इनको पूछते थे कि आप कर्जा माफी के लिए आपके पास क्या प्लान है, बेरोजगारी के लिए आपके क्या प्लान है, तो दोनों पे इनके पास में कोई जवाब नहीं था, इसलिए
अच्छी बात है, इनकी सरकार बनी है, जनता की अपेक्षा भी है। और मैं समझता हूँ श्वेता जी, केवल हम ये कह सकते हैं निश्चित रूप से हमको जनता ने मैंडेट नहीं दिया, आंकड़ों की गणित में मारे हैं। जिस दो मुद्दों को लेकर के बार बार कांग्रेस के लोग कहते रहते थे, अलवर की और अजमेर की, आपको ध्यान में जब ये चुनाव जीते थे तो ये कहते थे कि 17 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आज स्थिति आप देखिए कि उन्हीं जगह चार महीने जो एक मिनट विधानसभा में हारे और जो जोधपुर से जुड़ चुके हैं केवल एक मिनट जो अलवर के इनके सांसद थे वो तीसरे नंबर पे है, यानी जो चार महीने पहले सांसद जीते तो जनता ने आपके मंत्री तो सारे जमान जब करा लिए हैं। पसंद वाली बात है, हम तो भी मुद्दे पर बात करते थे कि अभी सबसे बड़ी बात अगर हम 77 दिन की कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से कर रहे हैं। जोधपुर से राजेंद्र गहलोत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले अहम सवाल यहाँ पर रहेगा पवन जी आपसे, पंकज जी आपसे। पंकज जी, बात यह है कि जब कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, सत्ता आ चुकी है, 77 दिन की बात इसलिए कह रही है कि जो वादे किए गए वो पूरे किए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहां पर कह दिया 2 लाख तक के माफ किए जाएंगे कर्ज, लेकिन क्या कुछ क्राइटेरिया होगा, डिटेल आदेश देर रात तक निकल जाएंगे। लेकिन अहम बात यह कि खजाना तो खाली है, 23,000 करोड़ तक की लिमिट है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती रहेगी जो बात कही गई है, जो कर्ज माफ करने की बात कही जा रही है उसे पूरा करने में, जमीनी स्तर पर सामने लाने में। पंकज जी, चुनौती का सामना करना कांग्रेस के नेताओं को आता है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इसमें महारत हासिल किए हुए हैं, पहले भी उन्होंने अपने कार्यप्रणाली से राजस्थान की जनता को दिखाया है जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करके। आज किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, सरकार बने 3 दिन हुए, 10 दिन की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी और आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से हम अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करेंगे और जनता को लगातार राहत देंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह से राजस्थान की जनता को ठगा गया, लूटा गया, जिस तरह से पानी बिजली को महंगा किया गया, चलिए ये आप मानते हैं ना, ये बीजेपी नहीं मानेगी। राजेंद्र गहलोत जी, आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार में, आपकी सत्ता में जनता को लूटा गया, ये कांग्रेस शुरुआती दौर से कहती आ रही है और अभी भी पंकज जी यही आरोप लगा रहे हैं। राजेंद्र जी, कांग्रेस का आजादी के बाद कांग्रेस का शासन रहा है, भूख भय और भ्रष्टाचार से कांग्रेस ही डूबे रहे हैं। वो किस मुंह से लूट और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जमानत पे देश में घूम रहे हैं। इस तरह की बात करना कांग्रेस को शोभा नहीं देती है। रात अब तक जो किसानों के लिए उन्होंने घोषणा की है, घोषणा के बाद उसके क्या परिणाम निकलते हैं उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि किसानों के लिए उन्होंने जो कहा है वो पूरा किया है या नहीं किया। लेकिन कम से कम आज घोषणा कर तो दी, अब तक तो इंतजार इसी बात को लेकर था। राजेंद्र जी, 2 लाख तक माफ करने की बात कही जा रही है, कम से कम मुख्यमंत्री सामने आके कह रहे हैं पूरा करेंगे, विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, दो लाख जबकि उन्होंने किसानों के संपूर्ण ऋण माफ करने की बात की थी, सारे कर्ज माफ करने की बात की थी, 2 लाख का कर्ज करके, और जो 2 लाख का कर्ज किस तरह से वो पूरा करेंगे वो भविष्य में ही स्पष्टवाचक चिन्ह लगा हुआ उसके ऊपर। लेकिन नहीं, राजेंद्र जी पूरे कर्ज माफ करने की तो बात नहीं कही थी। सत्येंद्र राघव जी, कर्ज माफ होगा किसानों का ये कहा गया था और यही पूछा जा रहा था बार बार कि आखिर कितना कर्ज माफ करेंगे, पूरा माफ करेंगे या फिर रेवड़ियों की तरह बांटा जाएगा, इसलिए बार बार सवाल कांग्रेस से उठ रहे थे। देखिए, सवाल उठे नहीं उठाए, भारतीय जनता पार्टी को पूरे 5 साल प्रदेश की जनता ने शासन करने के लिए दिया था, इन्होंने शासन नहीं किया। यहाँ जैसे पंकज जी भी कह रहे थे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, बीजेपी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तड़ी पार हैं, उनके खिलाफ काफी केस है, राजस्थान में खान घोटाला है या करप्शन है। तो आप आगे सर, नहीं आगे तो आपने 2 दिन नहीं दिया। मैं श्वेता जी एक बताना चाहता हूँ, सब कराएंगे, आप चिंता मत करें, सारी अभी तीसरा दिन है, सारी जांच होंगी, आप चिंता मत करो, दोषी होगा जेल भी जाएगा, हम तो सारी चीज होंगी, इसमें कोई हम नहीं, और इसी चैनल पे लाइए कि क्या घोटाला किया, हमें बताइएगा आप। रुको,
तो सही केवल झूठ के आधार पे राजनीति की है राजस्थान में। तभी तो जनता ने आपको बाहर किया, हमने झूठ के आधार पे जब भी प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राफेल के मुद्दे पे कितना झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने आज आप लोग सड़कों पर आ गए, आज पहले भी बताना पड़ेगा, मैं बताना चाह रहा हूँ। अब यही बात होगी ना कि अब जब विपक्ष का रोल आप निभा रहे हैं तो सड़कों पर आते हैं, कांग्रेस इससे पहले आ रही थी, अब बीजेपी आ गई, ये तो अच्छी बात है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम शासन में आए थे, ये जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई थी, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई 6 महीने हम शांत होकर इस भारतीय जनता पार्टी के शासन को देखेंगे, इनको राज, जब जनता ने इनको राज इतना अच्छा मैंडेट दिया है तो राज करने दो इनको। आप देखिए 11 तारीख को हमारा रिजल्ट आया, हम सत्ता में आए, 17 तारीख को ओथ लिए और भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा भैया बड़ा से छोटा नेता कह रहा है कि इन कर्जा माफ, अरे 10 दिन का नाम लिया था कर्जा, मध्य प्रदेश में सेम डे हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, राजस्थान में हम लागू कर रहे हैं। आप 3 दिन तो रुकिए आपके, अरे जनता ने हमको दिया, बड़ी बात है और अच्छी बात है, चलिए आज घोषणा भी हो गई, आप सकारात्मक विपक्षी भूमिका, आप रोजाना पूछ रहे हैं डिफॉल्टर को भी माफ होगा 30 नवंबर तक, ये भी कहा गया, लेकिन सत्यन जी सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए खजाना खाली, बार बार आप लोग कह रहे हैं कि पिछली सरकार है इसने खजाना खाली कर दिया, पैसे कहां से आएंगे, कैसे माफ, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, इसलिए खजाना खाली, इन्होंने करप्शन किया, इनकी योजनाएं फैल रही, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ दिया, माइंस बजरी बजरी सब जगह घपले किए, जब आपकी पॉलिसी अगर अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति जब अच्छी होगी, आपकी जब प्लानिंग होगी, जब आप प्लानिंग से वर्क करोगे तो आपके पास रेवेन्यू भी आएगी और आपके पास पैसा भी होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार, यही स्थिति जब बीजेपी सत्ता में आई थी 2013 में तब कहा था कि कर्ज में भारतीय जनता पार्टी के, तो जो देखिए आंतरिक कलह इतना जबरदस्त था कि केंद्र राजस्थान के बीच में वसुंधरा जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में पूरा प्रशासन और पूरे मंत्रिमंडल घूमते रहे, कोई प्लानिंग ही नहीं कर पाई राजस्थान की क्या करना है। इनके दिमाग में था कि मंदिर का मुद्दा, गाय का मुद्दा, ये लास्ट में चलाएंगे, हम सरकार में आ जाएंगे। आज देखिए हर कांग्रेस, कितनी खुशी की बात है कांग्रेस सरकार आई तो अब ये किसानों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, जब बीजेपी की जनता थी इन्होंने कभी रोजगार किसानों की बात थी, इन्होंने तो राम मंदिर बनाएंगे, गांव गांव का करेंगे, न राम मंदिर बना पाए, न गांव की रक्षा कर पाए, न किसानों की रक्षा कर पाए, हम अभी मंत्रिमंडल हमारा बन रहा है, सारी चीजें होंगी, खुशी की बात है, आज प्रदेश में खुशी का माहौल है, किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। लोकसभा 2019 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। अब 2018 विधानसभा चुनाव तो जीत ले गए हैं, आपके हाथ से सत्ता गई है, लेकिन 73 सीट आप लेकर आए, लोकसभा सीट में अगर गवाने के लिए होगा तो बीजेपी के पास होगा, कांग्रेस के पास नहीं, कांग्रेस के पास तो एक भी सीट नहीं है, उसके लिए किस तरह की तैयारी रहेगी और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो कहा वो करेगी और जनता एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जाएगी? श्वेता जी, मैंने शुरू में ये आंकड़े इसीलिए कहे कि हर चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, और जब देश का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से अलग मुद्दों पे चुनाव, ये बात सही है कि 25 सीटें हमारे पास हैं आज की डेट में, 23 सीटें हमारे पास, 2 सीटें इनके पास हैं, उनमें से एक ने इस्तीफा दिया ही है, तो जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से अलग मुद्दा। मैं बार बार दोनों आंकड़े इसीलिए आपको बताया, अलवर और अजमेर के, कि उस समय का चुनाव अलग ढंग का था और अब जो चुनाव अलग ढंग का होगा, जब देश का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से सीएम के निश्चित रूप से वो आंकड़े ले आते हैं, 55,000 से 35,000 से 11,000, चुनौती इनके सामने है कि ये बहुमत के साथ आए हैं, वो आंकड़े आप लोग के पास चुनौती नहीं है। राजेंद्र गहलोत जी, अहम सवाल आपसे रहेगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के पास ठीक है प्रदेश में सत्ता गई है, लेकिन आप कैसे मान के चलेंगे कि लोकसभा चुनाव में अगर पिछले 25 से 23 पे पहुंचे तो कम से कम ये अंक, ये आंकड़े बरकरार रहेंगे बीजेपी के पास? विधानसभा जैसे हालात नहीं होंगे राजेंद्र जी? हमारा लक्ष्य 25 सीटों को लाने का है। लोकसभा का जो चुनाव है उसके समीकरण, उसके अलग तरह के समीकरण होते हैं, अलग तरह के मुद्दे होते हैं और मतदाताओं का सोच भी मजबूत, केंद्र में सरकार हो इसलिए उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ मतदाता जुड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर हम 25 के 25 सीटों को लेकर आएंगे, तो सारे समीकरणों के आधार पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ संगठन के आधार पर सबका साथ सबका विकास करते हुए साथ चलेगी। ये तो प्रदेश में भी चाह रहे थे सबका साथ सबका विकास, जनता ने साथ यहाँ पर नहीं दिया। लेकिन पंकज जी, राजेंद्र जी तो आश्वस्त है कि केंद्र में एक मजबूत सरकार चाहती है जनता, इसलिए उसके समीकरण अलग होते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रदेश में भी अगर वही सरकार हो, केंद्र में भी वही सरकार हो, तो माना जाता है कि आसानी से काम हो सकते हैं। कितने आश्वस्त आप अब लोकसभा चुनाव को लेकर और कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है और इसलिए हम बार बार 77 दिन की बात कर रहे हैं।
पंकज जी सपना देखना अच्छी बात है, ये सपने देखते रहें, ये हम इनसे कहना चाहेंगे ये सपने ही देखें। रहा सवाल कांग्रेस को लोकसभा में जनता अपार समर्थन देगी, कड़ी से कड़ी जोड़ेगी और हम 25 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और ये मुंह देखते रहेंगे, ये कह रहे मुद्दे जनता को मालूम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जो वादे जनता से किए सब में पंकज जी यही कहा कि आपके वर्तमान सांसद हुए नंबर पर एक अच्छे दिन के नाम पर महंगाई की मार जनता झेल रही है। जी मैं वही कह रहा हूँ, देखिए राफेल के नाम पर झूठ बोला, 15 लाख कोर्ट ने हलाधर नोटबंदी पूरे देश में हिंदुस्तान में झूठ आज व्यापार धंधे चौपट की डेट में बेरोजगारों की लाइन बढ़ गई। बेरोजगार तो बेचारा आप पूछ रहा आपको कि कब आएंगे उसके खाते में 3500 रुपए के दिमाग से उतर चुका है और भारतीय जनता पार्टी बताएगा सर दुर्दशा होगी, समय बताएगा। एक चुनाव जीतने के बाद कितना कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए इस पर भी ध्यान देना होगा पंकज जी। लेकिन मुकेश जी एक बात है, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र में अलग समीकरण होते हैं और इसलिए वहां पर स्थिति अलग हो सकती है लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन दो चीजें सामने आती, कहा जाता है कि जब प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है उसके लिए आसानी होती है और लोकसभा चुनाव में उसके फेवर में 20+ जाती है सीट, ऐसा कहा जाता है। दूसरी तरफ जब अभी विधानसभा चुनाव थे जनता के बीच हम पहुंचे, उनका कहना यह था कि वो प्रदेश में इस परिवर्तन चाहते हैं लेकिन केंद्र में मोदी सरकार को देखते हैं, तो क्या आप किन चीजों को माना जाए? सत्येंद्र जी और मुकेश जी आप दोनों से सवाल है, एक एक करके जवाब दीजिए। इसीलिए मैंने श्वेता जी शुरू में ही कहा और मैं इसीलिए बात बार बार दोहरा रहा हूं कि जब चुनाव होता है तो उसका मुद्दे अलग होते हैं। जब लोकसभा के चुनाव थे, बाई इलेक्शन थे, उस समय जनता ने हमको 17 की 17 सीटों पर हराया, लेकिन आज वही जनता जिस अलवर के सांसद को उन्होंने भारी बहुमत से जिताया उसको एक कांस्टिट्यूएंसी में तीसरे नंबर पे ले गए। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हर बार मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा की चुनाव अगर जीत कर आती है तो लोकसभा में उसको फायदा मिलता है या फिर जनता केंद्र में बीजेपी को देखती है और प्रदेश में परिवर्तन कर दिया। राजस्थान की नहीं, देश की जनता समझदार है, जुमलेबाजों के चक्कर में नहीं आएगी और ये सही है कि राजस्थान में हमारा शासन है और हम अच्छा काम करेंगे क्योंकि पहले तीसरे दिन हम किसानों के ले रहे हैं, हम पे विश्वास है। ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि 25 की 25 लोकसभा में कांग्रेस की सीटें आएंगी और देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। चलिए ठीक है, वक्त यहाँ पर खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये आखिरी 77 दिन है, नई नई सत्ता है, नई नई चुनौतियां हैं, नई जिम्मेदारियां हैं, इन्हें पूरा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 77 दिनों के बाद लोकसभा चुनाव है, उसमें भी 25 की 25 सीटें अगर जीतनी है, जनता को अपने साथ करना है तो जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करना होगा और इसलिए बड़ी चुनौती है और बचे हैं आखिरी 77 दिन। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।